इस वीडियो में हमारे पास है यूनिट 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ेंगे ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, CBIS क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे सेंड कर सकते हैं, इंटरनेट क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है और ईमेल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ICT। ICT क्या होता है? हमारे पास ना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ना मेथड होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं दैट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह विद इन सेकेंड्स। इस मेथड को हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक मेथड एंड मीन्स टू स्टोर प्रोसेस एंड ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है CBIS कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एक हमारे पास जो सिस्टम है उसमें जो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक सिस्टम के। तो हमारे पास है पहले एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, प्रोसीजर है और पीपल है, ठीक है। अब इनका वर्क क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का हमें पता है ये एक फिजिकल कंपोनेंट होता है सिस्टम के अंदर जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और इस हार्डवेयर के अंदर हमारा सारे का सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर हमारा एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे जो ऑपरेशन का काम करता है, जो प्रोसेस का काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर उसको हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। फिर हमारे पास डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन, वो फैक्ट, वो डाटा जो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि एक लेक्चर डिलीवर करना है तो बुक के जो इन्फॉर्मेशन डाटा है, ठीक है, ओके। एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ टू आर मोर रिलेटेड डाटा फाइल्स दैट्स कॉल्ड डेटाबेस। फिर हमारे पास है पीपल। पीपल यानी कि दैट मोस्ट सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से अटैच होते हैं लोग दैट्स कॉल्ड पीपल। और प्रोसीजर, प्रोसीजर में वो स्ट्रेटजी होती है, वो मेथड्स होते हैं जरिए हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, हम मैसेज अडॉप्ट करते हैं और हम अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं यानी कि हमने कैसे इन्फॉर्मेशन हमने इन्फॉर्मेशन एक बंदे के हाथ में देकर ट्रांसफर करनी है, हमने इन्फॉर्मेशन USB में डालकर ट्रांसमिट करनी है या हमने वो इन्फॉर्मेशन ईमेल करके ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। वो सारे सारे मेथड जो होते हैं वो प्रोसीजर में आ जाते हैं, क्लियर। इसके बाद हमारे पास है कि इन्फॉर्मेशन को लाइट सिग्नल के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर से हमने कैसे सेंड करना होता है। स्टूडेंट याद रहे आपको कि ऑप्टिकल फाइबर एक वायर होती है जिसके अंदर ये आपको ये नज़र आ रहे हैं आपको बारीक बारीक सी वायर, इनफैक्ट ये थ्रेड्स होते हैं, इनको बोलते हैं थ्रेड या फिर हेयर्स, ये बहुत बारीक होती है। अब इनके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो मूव कर रही होती है लाइट की फॉर्म में, ठीक है। कैसे वो यहां देखते हैं, ये आपको zigzag नजर आ रही है, ये चीज zigzag, ये मतलब लाइट होती है और इस लाइट में इंफॉर्मेशन हमारी होती है और ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है ये कोर होती है। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो लाइट की फॉर्म में इस कोर में ट्रेवल करती है, ठीक है। इसके ऊपर ये व्हाइट कलर का आपको नजर आ, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग का काम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को बाहर निकलने से बचाना। इस क्लैडिंग को मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक और इंसुलेशन किया जाता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक कोटिंग या फिर इंसुलेशन का नाम इसको देते हैं या आउटर कोट भी कहते हैं इसको, क्लियर। फिर हमारे पास देखें यहाँ पर आ जाए, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रही है हमारे पास कोर ही है, पहले वाले कोर में कलर चेंज है सिर्फ हमने यहाँ पर किया हुआ। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जाती है, कराती है
रखती है, लेकिन ऊपर क्लैडिंग है, क्लैडिंग इसको बाहर ही निकलने देगी, वापस अंदर आ जाएगी लाइट। दूसरी साइड पर टकराएगी, क्लैडिंग है, क्लैडिंग निकलने देगी तो वापस ये कोर में चली जाएगी। तो इसी तरह ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इस तरह जिग जैग करते हुए पहुँच जाती है। क्लियर। उसके बाद ये जो डायग्राम हमारी बुक के अंदर भी बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि चार लाइंस आपको, चार सिग्नल आपको नजर आ रहे हैं, दो जो एक ये है और दूसरा ये दोनों इस वायर से बाहर निकल चुकी है। तो इसका मतलब ये वाले जो दोनों हैं ये सारे के सारे लॉस्ट हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं। और जो ये दो आपको नजर आ रही हैं ये सारे के सारे वो हैं जो इन्फॉर्मेशन उठाकर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये कोर के अंदर ही हैं। तो उसमें याद रखना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एक ऐसी वायर होती है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को 99.9% एक दूसरी जगह पहुंचाती है, जबकि इसके अलावा बाकी जितने भी वायर, कॉपर की वायर है, सिल्वर की वायर है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉप हो ही जाती है। आप नेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपके घर में जो हुई है और उसके पीछे कॉपर वायर है ना, तो कॉपर वायर की वजह से अगर आपने 8 MB का लिया है तो आप तक जो स्पीड पहुंचेगी वो 2 MB की पहुंचेगी, बाकी 6 MB की स्पीड वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू दैट पुअर वायर विच आर यूजिंग फॉर इंटरनेट, जो कि सिल्वर की होगी या फिर कॉपर की होगी। अगर उसकी जगह पे ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया है तो अगर आपने 8 MB का पैकेज लिया है तो आपके पास 8 MB का ही पहुंचेगा, अगर नहीं तो आपका 7 MB तो मस्ट पहुंचता है, क्योंकि इसमें आपकी 99% इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपकी ट्रांसफर। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट को जानने के लिए हमें पता है कि देखिए हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो हम दुनिया के किसी भी कंट्री, किसी भी कोने में शख्स बैठ कर बातचीत कर सकते हैं, थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रू गूगल एंड सो मैनी अदर सोशल मीडिया। तो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ है हमारे इंटरनेट की वजह से। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट सर्विस क्या होती है। इंटरनेट सर्विस हमारे पास होते हैं ब्राउज़र होता है, ईमेल होता है। ब्राउज़र क्या होता है, तो ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, ओपेरा होता है, गूगल होता है, सफारी होता है, मोज़िला होता है, सो ऑन। तो ये हमारे पास सारे के ब्राउज़र होते हैं जिसके लिए जो हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर एक और हमारे पास होता है ईमेल। अब ईमेल क्या होता है, ईमेल का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल या लेकिन इसका जो जनरल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, मैसेज सेंड किया जाता है, सेव मनी एंड टाइम। ये मनी को सेव करता है और टाइम को भी सेव करता है, विद इन सेकेंड्स ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो मनी सेव मनी मतलब ये हमें हमारे पैसे नहीं लगते जब हमने एक जगह से दूसरी इन्फॉर्मेशन को सेंड, नहीं लगते। फिर हमारे पास जो ये मैसेज को टेक सेकंड्स टू रीच डेस्टिनेशन, ये मैसेज को पहुंचाने में बहुत कम टाइम लगता है, विद इन सेकंड पॉइंट।